नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 11S versus Vivo Y22 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 11S में 6.29 इंच जबकि 22 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 11S में 2.91 इंच जबकि 22 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 11S में 0.31 इंच जबकि 22 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 11S से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 11S में 179 ग्राम जबकि 22 में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 11S से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 11S में AMOLED जबकि 22 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Redmi Note 11S में 20:9 जबकि 22 में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 11S में 6.43 इंचेस जबकि 22 में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 11S में 1080x2400 और 22 में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 11S में 84.64% जबकि 22 में 82.84% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 11S में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 22 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 11S में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 22 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 11S में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 22 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 11S में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 22 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 11S में Mali-G57MC2 जबकि 22 में Mali-G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 11S में MediaTek Helio G96 और 22 में MediaTek Helio G70 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि 22 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 22 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi Note 11S में Android V11 जबकि 22 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 11S में 3 कलर्स जबकि 22 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें 22 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 11s में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y22 2022 की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11s आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11s आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 11s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y15s 2021 है, दूसरा Samsung Galaxy A33 5G है, तीसरा Tecno Spark 8P है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G22 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।